ये तस्वीरें हैं मौलाना जगजगी शेख की, जिन्हें 1302 दिन के ऊपर से जो है, और इनके परिवार के साथ में इन्हें बंधक बना के रखा गया था, और इनके 6 बच्चों को जो है मौत के घाट उतारा गया, और इनके जो साथ में और लोगों भी थे उन्हें भी मौत के घाट उतारे गए हैं, इनकी बीवी और इन्हें अभी तक बंधक बना के रखा गया है। और लोगों का कहना है कि इनकी तबीयत में जो है नर्मपना आ चुका है और उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। मौलाना जगजगी शेख नारजीरन में इन्हें बंधक बना के रखा गया है, 1302 दिन के ऊपर वक्त हो चुका है। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हम आए हैं मुगल मस्जिद में इमामवाड़ा डोंगरी, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है मौलाना जगजगी शेख के बारे में, जिन्हें नारजीरन में 1302 दिन के ऊपर प्लस हुआ है, अब तक उन्हें बंधक बनाए रखा है और उनके 6 बच्चों को जो है मार दिया गया है, उनके कहीं साथियों को मार दिया गया है और उनकी बीवी भी उनके साथ में कैद है। अब हम यहाँ बात करेंगे, आपका शुभ नाम? मोहम्मद फैयाज बाकर। वही मौलाना जी, क्या कहना चाहोगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइजीरिया में आयतुल्ला शेख इब्राहिम जगजगी कि जो वहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रहे थे, सामाजिक काम कर रहे थे पब्लिक के लिए, उनको वहाँ की मिलिट्री ने उन पर अटैक किया और उनके 6 बच्चों को, लड़कों को शहीद किया, जवान लड़कों को शहीद किया, और कौम के बहुत से लोग, उनकी बीवी पे जुल्म हुआ और काफ़ी अरसे से 1916 से उनको अरेस्ट किए हुए हैं। नाइजीरिया की के कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उनको आज़ाद किया जाए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की आर्मी ने उनको अभी तक आज़ाद नहीं किया, यानी वहाँ की आर्मी ही गैर कानूनी तरीके से उनको बंधक बनाए हुए है। जो काम अगर हम देखें तो वहीं के बोको हराम जैसा काम है, उससे कम नहीं है। अभी उनके हालात ये हैं कि उनको वहाँ के जो कैद है उसके अंदर उनको जहर दे दिया गया है, उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है, वो बहुत ज़्यादा मरीज़ है, उनको फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत है और वो लोग उनको इलाज के लिए भी कहीं नहीं जाने दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे कोर्ट में उन्होंने इस बात की अर्जी दी कि हमको इंडिया या किसी मुल्क जाने दिया जाए, जाके हम इलाज कराएं, तो वहाँ के कोर्ट ने इस मामले को 1 हफ्ते टाल दिया कि हम अगले हफ्ते फैसला सुनाएंगे। ऐसी सूरत में जब किसी की जान खतरे में हो तो आप इतने अहम मामले को 1 हफ्ते कैसे टाल सकते हैं? ये तो एक कत्ल की साजिश समझ में आती है। ऐसा हम नाइजीरियन गवर्नमेंट से कहते हैं कि वो जुल्म को छोड़ दे, हद अकल जो बेसिक इंसानी हकूक़ होते हैं उस पर अमल करे और आगाज़ जगजगी को एक इंसान की तरीके से जीने का हक दे और जहाँ भी वो इलाज कराना चाहते हैं उनको जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो इलाज करा के अपनी सेहत को फिर वापस पहले जैसा कर सके। और अपने यहाँ की गवर्नमेंट से हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो नाइजीरियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि वो जुल्म से, चूँकि हमारी गवर्नमेंट जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ती है, हमारा मुल्क जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, लिहाजा वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाए कि आगाज़ जगजगी या किसी पर भी जुल्म ना किया जाए बल्कि उनके साथ इंसाफ के से पेश आए। कितने जनों को वहाँ पे जो है मतलब मार दिया गया, इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहोगे आप? जी हाँ, मारने में जब से इन लोगों ने अटैक शुरू किया, हर अटैक में 2, 4, 10 इस तरह से, जब से आगाज़ जगजगी अरेस्ट हैं तब से वहाँ पे डेली लोग प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं। अभी लास्ट में उनमें से उन पर भी अटैक किया और मारे गए हैं। अभी पूरी कोई एक तादाद नहीं है लेकिन सैकड़ों लोगों को उन्होंने तकरीबन मारा है। अभी आप लोगों की क्या मांग है यहाँ पर? हमारी ये मांग है कि आगाज़ जगजगी को फौरी तौर पे आज़ाद किया जाए, उनको जहाँ पे इलाज के लिए जाना है उनको जाने की इजाज़त दी जाए, जिन लोगों ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है उनको सज़ा दी जाए, और इसके साथ साथ आगाज़ जगजगी वहाँ पे जो भी सामाजिक काम करना चाहते हैं, जो भी इसलाह का काम करना चाहते हैं, उसके लिए उनको परमिशन दिया जाए। साहब बात करने के लिए धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे? मैं नाइजीरिया हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि आयतुल्ला जगजगी पे जो भी जुल्म किया अभी तक उसको भूल कर और उनको आज़ादी दे और उनको जहाँ जाना है इलाज के लिए उनको इलाज के लिए जाने दे, इसलिए कि जुल्म काफ़ी दिनों तक नहीं फलता फूलता है, एक ना एक दिन जुल्म का खात्मा होना ही है। तो नाइजीरिया हुकूमत अगर अपनी चाहती हुकूमत बचाना तो अपने जुल्म को ख़त्म करे और ये मजलूमों का साथ दे। आप कुछ कहना चाहोगे? नाइजीरियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ को ख्याल रखे और कम से कम आयतुल्ला शेख जगजगी को इंसानियत के लिहाज उन्हें दवा और इलाज के लिए इजाज़त दे
اور ان کو کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہ کیا جائے. جیسا کہ ان لوگوں کی مانگ ہے کہ انہیں جو ہے آزاد کیا جائے اور ان کے جلد سے جلد جو ہے علاج کی ان کو ضرورت ہے. کافی ان کی جو طبیعت جو ہے کافی نرم ہو چکی ہے اور ان کی بیوی کو بھی ساتھ میں ان کو مطلب آزاد کیا جائے. مومی پریس کے ساتھ امجد پٹھان. بامبے پریس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے تیز تازہ خبروں کے لیے.